देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पूरी कमर कस ली है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करने जा रही है, जो कि ये 2 दिनों तक चलेगा। अब देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे और आने वाले चुनाव की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें चाचा और भतीजा अब साथ साथ नजर आते हुए दिखाई देंगे। देखिए, अगर हम बात करें मैनपुरी में जो अभी उपचुनाव हुआ है, इसमें चाचा और भतीजा जब साथ आए तब उपचुनाव जीत लिया गया। लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले, जो कि यूपी में हुआ, उसमें चाचा और भतीजे में दूरियां देखने को मिली थी। इस वजह से समाजवादी पार्टी को कई ऐसी सीटें थी जो कि हारनी पड़ी थी। लेकिन मैनपुरी चुनाव में चाचा भतीजा जब साथ दिखे तो उसके बाद से मैनपुरी का चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। तो राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है कोलकाता में, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और आज सुबह से ही कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई जब समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता कोलकाता पहुंच रहे हैं।